हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट विवेक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट विवेक। और इस छोटी सी बछिया की चोटिल होने की सूचना हमें भाई विनीत मिश्रा जी ने दी। आपका घर काशीपुर पड़ता है, काशीपुर में भाई अजय पाल जी भी आए और उन सभी लोगों ने मिलकर जो है इसको एक ई रिक्शा मंगवा कर मैं मेरे घर लाने के लिए तैयार हुआ और ई रिक्शा मंगवाया गया, क्योंकि इसको यहाँ पर छोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं था। देखिए इसका पैर कैसे टूट के लटक गया है, एकदम पिछला पैर जो है जिसको अजय पाल भाई ने पकड़ा हुआ है कैसे एक बित्ते ऊपर से खुर के टूट के लटक गया है। इसको ई रिक्शा मंगवा कर अपने घर में लेके आया, जो एक घर मेरा दूसरा है अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर छोड़ देने पर इसको कुत्ते परेशान कर रहे थे और इसको जीते जी नोच नोच कर मार डाले। क्योंकि अब तक मैंने कई सारे केसेस देखे जिसमें छोटे बच्चों को कुत्तों ने जान से मार डाला, दौड़ा दौड़ा कर मार डाला, क्योंकि माँ इसके पास हमेशा रहती नहीं थी, तो माँ भी टहलने चली जाया करती तो इसको बचा कोई नहीं पाता कुत्तों से और जंगली जानवरों से, तो उसको उठा के ला के अपने घर पे रखा गया और चारा पानी दिया गया। बड़ी देर तक तो इसने कुछ खाया नहीं, बाद में इसने खाया, फिर जो है मरहम पट्टी की गई, इसकी बेसिक्स जो इंजेक्शन कुछ थे वो लगाए गए, दर्द निवारक दिया गया, एंटीबायोटिक दिया गया और फिर जो है चारा पानी दिया गया। थोड़ी देर बाद इसने खाया उसको, फिर अगले दिन जो है डॉक्टर साहब को फ़ोन किया गया, तो भाई हमारे आकाश गोस्वामी जी हैं, आपका घर पड़ता है उधौली साइड पड़ता है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देने का वचन दिया और आप आए भी, और उसके साथ हम लोगों ने इसके जो टूटे हुए पैर हैं डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, कहा कि इसके पैर में जो है पटरियों से इसको बांध दो आप, क्योंकि इसके जो नीचे है वहाँ पर इंजरी भी थी, ब्लड वगैरह भी निकल रहा था, खून भी बह रहा था, तो उसकी ड्रेसिंग्स भी डेली होनी थी, इसलिए इसको जो अभी उस पोर्शन को खोल के रखना था। तो हम लोगों ने भाई को बुलाया और देखिए कितनी प्यारी बछिया है छोटी सी, और आकाश भाई आए, उन्होंने उसका अवलोकन किया पैर का इसके, और इसकी पट्टी वगैरह हम लोगों ने हटवाई। तो भाई आकाश को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस छोटी सी बछिया को बचाने के लिए आपने अपना सहयोग दिया। उसके लिए हम सभी जीव प्रेमी जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस छोटी सी बछिया को बचाने का प्रयास किया और उसको जो है उनकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है इस बछिया के लिए भगवान से प्रार्थना करिए, सभी लोग जो भी मेरे भाई बहन जो इसको देख रहे हैं, इसके लिए भगवान से एक प्रार्थना ज़रूर करें कि ये जल्दी से स्वस्थ हो जाए, जिससे इसकी माँ के पास को भेज दिया जाए। और देखिए कितना निराश हो गई है बेचारी, इसको अथाह दर्द हो रहा है, पूरी जो हड्डी है वो कट कट की आवाज़ कर रही है, खट खट की आवाज़ कर रही है, और इसका जो है पैर देखिए नीचे से भी पूरा कवर्ड कर देने पर ये पकने का भी चांस है। और बड़ी ही दुस्तर समस्या है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लोग छोड़ देते हैं सड़कों पर, माँ के साथ छोड़ देते हैं, और जो समझ नहीं पाते हैं और हाईवे पर लड़ जाते हैं। तो ये अयोध्या और लखनऊ राजमार्ग की घटना है, NH 28। फिर इसमें जो है इसको अपना आकाश भाई ने सेट करके पूरा धीरे धीरे जो है एकदम, जब ये श्योर हो गए कि अभी ये पैर एकदम फिक्स हो गया है, एकदम मेजरमेंट जो है इसका सामने वाली हड्डी से एकदम फिट हो गया है, मिल गया है, तब इसको जो है 3-4-5 पटरियाँ रख के और सूती कपड़े से टाइटली इसको बांध दिया गया, और एकदम असहनीय पीड़ा इसको हो रही थी, बेचारी एकदम से लेट गई परेशान होकर। दो दिन से तो ये पड़ी ही थी वहाँ पर, और भाई ने इसको बोरी वगैरह लपेट दिया था, फिर कुत्ते जब परेशान करना शुरू कर दिए तो फिर इसको उठाकर अपने घर लाना पड़ा। कई बार होता है कि वहाँ पहुँच नहीं पाता हूँ मैं, या ट्रीटमेंट करके चला आया वो लाने की स्थिति में नहीं है, या मेरे पास व्यवस्था नहीं है रखने की, तो उसको मुझे वहीं पर ही जाने ना चाहते हुए भी वहीं पर जाने अनजाने छोड़ के आना पड़ता है मुझे। तो ऐसी स्थिति में जब अगले दिन जाता हूँ तो कुत्ते उसको एकदम क्या बताऊँ, वो स्थिति कहने लायक नहीं होती है। कभी कभी किसी को सौंप भी दो कि आप भाई इसको देखे रहना, तो वो लोग भी उतनी तत्परता से, उतनी तल्लीनता से, उतने दिल से उस कार्य को
किस वजह से नहीं करते मुझे नहीं पता है, हो सकता है कुछ मजबूरियां भी रही हों तो लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसको कुत्ते जीते जी नोच नोच के मार डालते हैं जानवरों को, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मैं एक शेल्टर बनवाने की सोच रहा हूँ और प्रयास है कि जल्द ही उसको मैं भौतिक रूप में प्रस्तुत करूँगा आप सभी के समक्ष, बना के तैयार करूँगा, और आप लोगों का भी सहयोग रहेगा तो एक बढ़िया सा शेल्टर मैं तैयार करके दूँगा। ऐसे जो निराश्रित जानवर हैं, डॉग्स हो गए, कोई भी गाय हो गई, कैसा भी जानवर हो जो परेशान है, चाहे वो जंगली ही जानवर क्यों ना हो, जो भी है सबकी व्यवस्था अपने पास रहेगी। फिर उसको इंजेक्शंस वगैरह जो दिए गए रिक्वायर्ड थे, और कैल्शियम वगैरह का पाउडर वगैरह भी जो है इसको हॉस्पिटल से जो है इसको मिला, हमारे देवानंद भाई ने दिया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, धन्यवाद।